केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने नई दिल्ली में क्राइम और क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्क के पायलट फेज की शुरुआत। गृह मंत्री ने कहा कि CCTNS परियोजना से देश के सभी पुलिस थानों और पुलिस के अन्य उच्च कार्यालयों के साथ तुरंत अपराध की जानकारी साझा करने में मिलेगी मदद। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर पुलिस के कामकाज में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए है प्रयासरत। उन्होंने कहा कि इस साल अप्रैल माह से शिकायत दर्ज कराने और उनकी ट्रैकिंग की ऑनलाइन सुविधा की होगी शुरुआत। दिल्ली में एक लड़की के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के आरोपियों पर हत्या, सामूहिक बलात्कार, अपहरण और अन्य आरोप तय। छठे नाबालिग आरोपी के खिलाफ मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। आरोप पत्र पर सुनवाई 5 जनवरी से। राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत ठंड और कोहरे की चपेट में। दिल्ली में पारा 3 डिग्री तक पहुंचा। भीषण ठंड से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित। केरल में 2 मछुआरों की हत्या के आरोपों का सामना कर रहे इटली के दोनों नौसैनिक अपने परिवार के साथ क्रिसमस मनाने के बाद भारत वापस लौटे। केरल की एक स्थानीय अदालत ने एक स्कूली छात्रा की बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने के मामले में एक आरोपी को सुनाई फांसी की सजा। 3 दिनों की तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 43 अंक की गिरावट के साथ 19,721 पर खुला। इसी तरह निफ्टी भी 14.5 अंक की गिरावट के साथ 5,995 पर खुला। वैश्विक बाजारों में तेजी के बीच आयातकों की ओर से डॉलर की लिवाली किए जाने से रुपया 33 पैसे कमजोर होकर 54.83 रुपए प्रति डॉलर पर खुला। गुरुवार को रुपया 15 पैसे टूटकर 54.50 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुए कार बम धमाके में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत, 40 से अधिक लोग घायल। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बम धमाका एक भीड़भाड़ वाले पेट्रोल पंप पर खड़ी कार में हुआ, जहां काफी संख्या में लोग थे मौजूद। अफगानिस्तान में युद्ध और दुनिया भर में अमेरिकी मिशनों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ओबामा प्रशासन ने एक बार फिर की पूरी तैयारी। ओबामा ने रक्षा खर्च के लिए $633 अरब के भारी बिल को दी मंजूरी। एक महीने से भी कम समय में दूसरी बार घरेलू सरजमीं पर हार झेलने वाले भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इसके लिए बल्लेबाजों को ठहराया दोषी। कहा, गेंदबाजों ने बहुत अच्छा प्रयास कर पाकिस्तान को 250 रन पर रोका। सानिया मिर्जा और उनके अमेरिकी जोड़ीदार बैटनी मोंटेक सैंडेस ने नए सत्र की शानदार शुरुआत करते हुए $1,00,000 के WTA ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में किया प्रवेश। भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी और शीर्ष वरीयता प्राप्त महेश भूपति और उनके कनाडाई साथी डेनियल नेस्टर की जोड़ी को चेन्नई ओपन ATP टेनिस प्रतियोगिता के डबल्स क्वार्टर फाइनल में देखना पड़ा हार का मुंह। रोहन बोपन्ना और राजीव राम को भी यूकल के क्वार्टर फाइनल में स्टेनलास वावरिंका और बेनोइट पीरे के हाथों हार का करना पड़ा सामना। तीसरी वरीयता प्राप्त बोपन्ना और राम ने पहले सेट में आसानी से जीत दर्ज की, बाद के सेटों में नहीं रख सके बढ़त को बरकरार। सदाबहार संगीत निर्देशक राहुल देव वर्मन की 19वीं पुण्यतिथि आज। राहुल ने आशा भोसले और किशोर कुमार के साथ गाए कई मशहूर गाने, फिल्मों में दिया यादगार संगीत।